हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्सवाट के यूट्यूब चैनल पर। मैं रक्षित गुर्जर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लेमिंगो बुक क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 को, जो है डीप वाटर। इसके ऑथर है विलियम डगलेस। तो ये जो चैप्टर है, ये पार्ट एक बुक का ऑफ मैन एंड माउंटेन्स का, जिसको विलियम डगलेस ने लिखा है। इसमें जो ऑथर ने अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस है उनको शेयर किया है हमारे साथ में। तो पहला है उनका जो इंसिडेंट हुआ था बचपन में, जब वो स्विमिंग सीखने के लिए जा रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि उनके अंदर पानी का डर बैठ जाता है। उसके बाद में जो वो हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने पानी के डर से ओवरकम किया, कि कैसे उसको जीता है। तो स्टार्टिंग में जो ऑथर होते हैं वो हमें बताते हैं YMCA पूल के बारे में, ठीक है, कि वो स्विमिंग सीखने के लिए YMCA पूल को ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर स्विमिंग सिखाई जाती है। उसके बाद में जो उनकी मदर होती है ऑथर की, तो वो उनको बार बार याकिमा रिवर की जो घटनाएं होती हैं उनको उनसे बातें करती रहती है। याकिमा रिवर जो ऑथर के घर के पास एक रिवर होती है और वो बहुत खतरनाक रिवर होती है। तो ऑथर की जो मदर होती है वो ऑथर से बार बार, जो यहाँ पर भी ड्रोनिंग के केस होते हैं, उनके बारे में बताती रहती है। उसके बाद ऑथर हमें बताते हैं कि जो YMCA पूल होता है वो स्विमिंग के लिए सेफ होता है, क्योंकि जो उसका शैलो एंड रहता है, यानी कि जो उसका शुरुआती वो रहता है गहराई, वो 2 या 3 फीट रहती है, ठीक है। और जो उसका डीप एंड रहता है, यानी कि जो उसका बीच का बिल्कुल गहराई रहती है, वो 9 फीट की रहती है, जो कि सीखने के लिए, स्विमिंग के लिए बहुत आसान होती है, ठीक है। उसके बाद में ऑथर बताता है कि वो धीरे धीरे जब स्विमिंग करने स्टार्ट करता है तो वो दूसरों को कॉपी करने लग जाता है और धीरे धीरे स्विमिंग करते जाता है और कॉन्फिडेंस अपने अंदर गेन करता है। उसके बाद ऑथर हमें अपना जो ओल्ड इंसिडेंट है वो बताते हैं। वो ओल्ड इंसिडेंट क्या होता है कि जब वो 3 या 4 साल के थे, ठीक है, तो वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया बीच पर जाते हैं। तो वहाँ बीच पर जाने का उनका जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि जो मतलब वहाँ की जो वेव्स है उनको देखना, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो वेव्स होती है, पानी की जो लहरें होती है, तो वो उतनी तेज़ आती है कि ऑथर उनमें डूब जाता है। लेकिन वैसे तो उसने अपने फादर का हाथ पकड़ा हुआ होता है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं डर जाता है इतना कि वो सोचता है कि आज डूब ही जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो उस घटना से उसके अंदर एक पानी के लिए डर पैदा हो जाता है। वो ऑथर सोचता है कि पानी बहुत खतरनाक होता है, ठीक है, तो पानी के अंदर डूब सकता है वो। लेकिन जब वो YMCA पूल में जाता है तो उसके अंदर वो जो बचपन की घटना होती है उसका डर कहीं ना कहीं वापस आ जाता है पानी को देखकर। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं 10-15 दिन में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस अपने अंदर गेन कर लेता है, ठीक है। अब क्या होता है, YMCA पूल में उसके साथ एक नया इंसिडेंट होता है। एक तो पुराना इंसिडेंट था जब कैलिफोर्निया बीच पर वो गया था अपने फादर के साथ, ठीक है। नया इंसिडेंट क्या होता है कि जब एक बार ऑथर YMCA पूल पर जाता है स्विमिंग सीखने के लिए, तो एक बार वो जल्दी पहुंच जाता है। जल्दी पहुंचने की वजह से क्या होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता पूल में, ठीक है। तो जो पूल का वाटर होता है वो बहुत स्टिल रहता है। स्टिल का मतलब है बिल्कुल स्थिर रहता है, हिलता डुलता नहीं है पानी बिल्कुल भी। तो उसके बाद क्या होता है, ऑथर सोचता है कि जब कोई आ जाएगा उसके बाद ही मैं स्विमिंग स्टार्ट करूंगा। तो वो साइड में एक कोने में बैठ जाता है और सभी लोगों का इंतजार करता है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, एक 18 या 19 साल का एक लड़का होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो ऑथर को चिढ़ाता है कि हे स्किनी, कि मतलब ऑथर थोड़ा कमजोर रहता है, तो उसको चिढ़ाता है और उसको ऐसे उठाता है गोदी में और पानी के अंदर फेंक देता है। तो ऑथर पहले से रेडी नहीं होता, एक तो उसको बचपन से पानी से डर लगता है। जब वो थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश करता है तो ये ऐसे उठाता है उसको पानी के अंदर धकेल देता है। अब ऑथर पहले से तैयार नहीं था, तो वो स्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि जैसे वो पूल पर बैठा था साइड में, ऐसी बैठी हुई पोजीशन में ही पानी के अंदर उतरने लग जाता है। लेकिन उस टाइम पे भी वो ज़्यादा डरता नहीं है, वो अपने अंदर प्लानिंग करता रहता है, ठीक है। ऑथर प्लान करता है कि वो स्ट्रेटेजी बनाता है कि जब वो बिल्कुल नीचे, यानी पूल की जो धरती होती है, सरफेस होता है, उसको टच करेगा, तो वहां से वो एक जंप लगाएगा, ठीक है। जंप लगाकर वो ऊपर सरफेस पे आ जाएगा पानी के, और वहां पर वो फ्लैट होकर, यानी कि लेटकर और स्विमिंग करने लग जाएगा और साइड में आकर बैठ जाएगा। लेकिन होता क्या है, ऑथर सोचता है कि वो एकदम से नीचे जाएगा और उसको हिट करेगा धरती को, बट हुआ क्या है? वो ऑथर धीरे 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 पानी के अंदर जाता है। वो 9 फीट की जो गहराई होती है वो ऑथर को ऐसे लगते है कि जैसे 90 फीट की गहराई है। तो वो नीचे बहुत स्लोली स्लोली पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद में ऑथर 3 बार ट्राई करता है, जो इस चैप्टर में बताया गया है। पहली बार ट्राई करता है तो उसकी आंख और नाक बाहर आती है, मुंह बाहर नहीं आता, ठीक है। सेकेंड टाइम जब वो ट्राई करता है तो वो बहुत थक जाता है, और थर्ड टाइम पर भी ट्राई करता है तो लेकिन बाहर नहीं आ पाता। वो अपने हाथ पैर मारता है रस्सी के लिए कि कोई उसे रस्सी फेंकेगा, कोई उसे बचाएगा,
कुछ नहीं होता। वो शाउट करता है यानी चिल्लाता है, अपनी मम्मी को याद करता है, फिर भी कुछ नहीं होता। जब वो बोलता रहता है पानी के अंदर, तो बहुत सारा वाटर स्वेलो कर लेता है यानी निगल जाता है, क्योंकि पहले से रेडी नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कैसे पानी में स्विम करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, स्वेलो वाटर, वो पानी को बहुत सारा स्वेलो कर लेता है यानी निगल जाता है पानी को। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, जो उसके लेग्स, वो पैरालाइज होता है, हो जाते हैं। पैरालाइज होने का मतलब क्या है कि जब वो पानी के अंदर होता है तो वो बार बार ट्राई करता है पानी से बाहर आने के लिए, लेकिन वो ट्राई नहीं, उसका जो ट्राई है, जो ट्राई करता है तो वो पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, तो उसके लेग्स पैरालाइज हो जाते हैं यानी फ्रीज हो जाते हैं, उसकी बॉडी उसको भारी लगने लगती है, और जो उसके लंग्स होते हैं उनमें इतना पानी भर जाता है कि वो उसको लगता है कि अब ये लंग्स फट जाएंगे। ठीक है, तो अब ऑथर उसके बाद में क्या करता है, बाहर निकलने की और ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन जब वो तीसरा अटेम्प्ट अपना पूरा कर लेता है, उसके बाद में वो छोड़ देता है सारी प्रैक्टिस को कि अब पानी से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, उसके बाद में ऑथर अनकॉन्शियस फील करने लग जाता है, उसको लगने लगता है कि अब वो बेहोशी की हालत में जाने वाला है। उसके बाद में उसे लगता है कि वो लविंग आर्म्स में है। लविंग आर्म्स का मतलब क्या है कि उसे ऐसा लगता है कि वो किसी की गोद में है। ठीक है, और अब वो अनकॉन्शियस फील करने लग जाता है, किसी की गोद में वो जा रहा है, जैसे कि उसकी मदर की गोद होती है। और उसके बाद में वो सोचता है कि लाइफ ऑफ कर्टेन फेल, कि अब जिंदगी का पर्दा खत्म, मतलब जो उसकी जिंदगी है वो खत्म हो चुकी है और अब वो मर जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, कोई उसको जो लास्ट उसकी मोमेंट होती है उस टाइम पे उसको बचा लेता है। जो इसकी पुरानी यादें होती है, तो इसको खाली इतनी बात याद होती है ऑथर को कि जो इसको आदमी बचाता है, तो वो जो ऑथर को पानी के अंदर डालता है उस बॉय को भी बहुत ज़्यादा डांटता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। तो वो लड़का बोलता है कि मैं तो खाली मजाक कर रहा था, तो ये और गुस्से में आ जाता है। जो इसकी जान बचाता है वो बोलता है तुम मजाक कर रहे थे और इसकी जान जाने वाली थी। ठीक है, तो ऑथर जो पूल के साइड में इसको बैठाते, मतलब बैठाते क्या है, मतलब फ्लैट इसको पेट के बल पर ऐसे लिटा देते, जिससे कि जितना पानी इसके अंदर गया है वो सारा पानी बाहर आ जाए। तो वो वॉमिट करता है ऑथर वहाँ पे। उसके बाद में क्या होता है कि फियर ऑफ वाटर इसके अंदर हमेशा के लिए बैठ जाता है। ऑथर कभी भी पानी के पास नहीं जाता। पानी से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि फिशिंग करना, बोटिंग करना, इन सबको ऑथर अवॉइड करता है और इन सब के पास कभी नहीं जाता। तो ये यहाँ तक का इंसिडेंट है कि जब ऑथर पानी के अंदर डूबने वाला होता है तो कैसा कैसा वो फील करता है। अब आगे की स्टोरी में हम समझेंगे कि उसने इस डर को कैसे ओवरकम किया है। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि डगलेस ने जो उसका डर आया था पानी के अंदर, उसको जब वो डूबते डूबते बचा था, तो उसको कैसे उसने ओवरकम किया है। तो सबसे पहला डिसीजन जो उसने लिया था, वो लिया था इंस्ट्रक्टर को उसने हायर किया था। ठीक है, एक इंस्ट्रक्टर होता है जो इंस्ट्रक्ट करता है, यानी कि बताता है कि कैसे स्विमिंग करते हैं, कैसे पानी के अंदर तैरा जाता है, और जो विंग्स वगैरह होते हैं, इक्विपमेंट्स, उनको लाके वो स्विमिंग सिखाता है। तो डगलेस ने हायर किया था इंस्ट्रक्टर को अक्टूबर में। ठीक है, वो क्या करता था, जो इंस्ट्रक्टर था वो रस्सी बांधता था पहले उसकी वेस्ट पे यानी कमर पे डगलेस की, और फिर उस रस्सी को एक पुली से कनेक्ट करके खुद की बेल्ट में बांध लेता था। तो पूरी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ उसको स्विमिंग सिखाई जाती थी। स्टार्टिंग में क्या हुआ, जब पहले पहले उसने पानी के अंदर पैर रखा था डगलेस ने, तो वो जो उसका पुराना वाला डर था, यानी कि जो उसको YMCA पूल के अंदर उसको डर लगा था, तो वो ही डर उसके सामने दोबारा आ जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उसके पैर जो होते हैं बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, बॉडी कांपने लग जाती है और उसके आंखों के सामने काला काला सा नजर आने लगता है। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, ऑथर ने शुरुआत के 3 महीने उसको सिखाया कि उसको कैसे अपने पैरों की मूवमेंट करनी है, उसको किक करना सिखाया कि वाटर के अंदर कैसे किकिंग की जाती है। ठीक है, और जो बाकी के 3 मंथ्स में उन्होंने और एक्टिविटीज सिखाई थी कि कैसे वाटर को इनहेल करना है, कैसे मतलब कैसे इनहेल करना है और एक्सहेल करना है स्विमिंग पूल के अंदर। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जब स्विमिंग करने जाते हैं तो उस टाइम पे जब ये डगलेस भी गया था, तो स्टार्टिंग में इसने बहुत सारा वाटर जो था स्वेलो कर लिया था, निगल लिया था, तो इसके कारण ये स्विमिंग सीख ही नहीं पाया था। लेकिन इसने पहले शुरुआत के 3 महीने में जो इंस्ट्रक्टर था उसने बताया कि कैसे इनहेल करना और एक्सहेल करना है। ठीक है, उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने टॉट किया उसको किकिंग करना, जैसे मैंने बताया कि वाटर से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती है स्विमिंग से रिलेटेड, वो इसने इसको सिखाई थी। अप्रैल में जो ट्रेनिंग थी वो उसकी कंप्लीट हो गई थी डगलेस की। जो इंस्ट्रक्टर था उसने बोला है कि अब मेरी तरफ से ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी हो, अब तुम पक्के स्विमर बन चुके हो। ठीक है, लेकिन डगलेस अब भी नहीं माना था। ठीक है, अच्छा पहले समझ लेते टाइम टेकन बाय इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर अक्टूबर में आया था
और अप्रैल में उसने अपनी पूरी तरीके से ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी थी। इंस्ट्रक्टर कम्स इन अक्टूबर एंड कंप्लीटेड हिज कोर्स इन अप्रैल। अप्रैल में स्विमिंग करनी सीख गया था डगलेस। उसने बोला, मेरी तरफ से क्लीन चिट है, अब तुम एक पक्के स्विमर बन चुके हो। बट हुआ क्या था, डगलेस सोचता है कि क्या पता मैं अकेले में पानी में जाऊं और डर जाऊं। अभी तो मेरे साथ में इंस्ट्रक्टर था, क्या पता मैं नहीं डर रहा हूं इसके सामने। तो वो सेल्फ असेसमेंट करता है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है खुद का इवेल्युएशन करने की कोशिश करता है। खुद अकेले जाता है एक लेक के अंदर। पहला असेसमेंट वो करता है जुलाई में, ठीक है, जो वेंटवर्थ लेक होती है इसके अंदर वो जाता है और अकेले उसमें स्विमिंग करता है। वो देखता है कि कहीं वो पुराना डर है वो उसके अंदर बचा हुआ है, ये ख़त्म हो गया पूरी तरह। होता क्या है, जो उसके पुराने एक्सपीरियंस थे वो फिर से उसके दिमाग में आ जाते हैं थोड़े बहुत। बट जो ये होता है, डगलेस होता है, ये उन एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ता है और आगे बढ़ते हुए स्विमिंग को कंप्लीट करता है। उसके बाद में क्या होता है, ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है स्विमिंग की, जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक है, साइड और बैक स्ट्रोक है, ये सभी उस लेक के अंदर पूरी करता है। उसके बाद भी इसको शांति नहीं मिलती। ये सोचता है कहीं मैं अकेले जाऊं किसी पूल के अंदर और क्या पता मेरे अंदर दोबारा आ जाए वो डर स्विमिंग वाला। तो ये फाइनल असेसमेंट खुद का करता है। कहाँ पर करता है, वार्म लेक है एक, तो वहाँ पर ये जाता है और स्विमिंग करता है, ठीक है। स्विमिंग ये करता है जो एक किनारा होता है उसमें स्विम करते करते दूसरे किनारे तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद में ये शाउट करता है कि आई हैव कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, कि मैंने अपना जो डर है पानी का उसको जीत लिया है और अब मैं पानी से बिल्कुल भी नहीं डरता और मैं स्विमिंग सीख गया हूँ। इस स्टोरी में जो डगलेस है उन्होंने हमें बताया कि रियल फियर क्या है, यानी कि जो सच्चाई, मतलब जो असली डर है वो है क्या असल में। जो डगलेस है उन्होंने बताया कि जो डेथ है उसमें पीस होता है, यानी कि जो मौत है उससे डर नहीं लगता आदमी को, लेकिन जो मौत का आतंक है उससे डर लगता है। टेरर ऑफ डेथ इज रियल फियर, ठीक है, जो डेथ का टेरर है वो ही असली में वो है, फियर है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर रूजवेल्ट की जो बात थी, जो कोटेशन दी थी रूजवेल्ट ने, वो भी बताई है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इट्सेल्फ, यानी हमें जिससे डरना चाहिए या हमें जिससे डर लगता है वो असलियत में डर ही होता है। और इस लेसन में जो डगलेस है वो हमें ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हम सेल्फ डिटरमाइंड होते हैं किसी चीज़ के लिए तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी हमारा चैप्टर नंबर 3। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।